हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में हम ये समझेंगे कि कोविड-19 के चलते हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस में। तो किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक को, कौन से एग्जांपल्स को, एक्सरसाइज को ओमिट किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर झेरोग से, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक और कौन से एग्जांपल को रिड्यूस किया गया है, ओमिट किया गया है। तो देखिए ये आपके सामने है, ओके। तो चलिए, मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी टिक मार चुका हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी फटाफट एक पेंसिल लीजिए और टेक्स्ट बुक लीजिए अपनी, और आप भी टिक मार लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अब टेक्स्ट बुक में पहले आप निकालिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 2। टिक मारिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर, एग्जाम्पल नंबर 3, ये सब चीज़ें वॉमिट है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। फिर आप आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 में, 1.1 में 225 टिक मार लीजिए, 225। अब फिर पेज पलटिए, पेज आप पलटेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1.2 थ्योरम, 1.2 एग्जाम्पल 5, आप भी हमारे साथ टिक मारिए एग्जाम्पल नंबर 5। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 से अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 1.2, 5, 6, 7, ये वॉमिट है, इसको आपको नहीं करना है, ओके। यहाँ पे वॉमिट लिख दीजिए आप। अब आ जाइए 1.4 रिवर्सिंग इरेशनल नंबर, ये टॉपिक नहीं आएगा, ओके। ये आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये नहीं आएगा, ओके। कोविड-19 के चलते ये रिमूव कर दिया गया है। थियरम 1.3, थियरम 1.4, पेज पलटिए, एग्जाम्पल नंबर 9, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। फिर पेज पलटिए, एग्जाम्पल 10, गुड वेरी गुड, एग्जाम्पल नंबर 11। एक्सरसाइज 1.3 में ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं फुल ओमिट है। अब आप आ जाइए 1.5 में, 1.5 थ्योरम 1.5, ये सब वॉमिट है बेटा, टिक मार लीजिए, वॉमिट है। थ्योरम 1.6, बस। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए पॉलीनोमियल, चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल पर आप पेज नंबर 33 में 2.4 आप देख रहे होंगे डिवीजन अल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल, इस पे ओमिट कर दीजिए। और ये जो डिवीजन आपको दिख रहे हैं ये आपको नहीं करने हैं, एग्जाम्पल 6 नहीं करने हैं आपके। फिर उसके बाद दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं करने हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, और आप यहाँ पर देख रहे हैं 2.3 फुल ओमिट है, 2.3 आपको डिवीजन नहीं करने हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में देखिए पेज नंबर 44, एक्सरसाइज 3.1, ये पूरा वॉमिट है बेटा, यहाँ पर आप लिख दीजिए ऐसे बना करके, वॉमिट कर दीजिए, पेज पलटिए। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 3.2 में आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाले, मतलब फर्स्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको क्वेश्चन नंबर 4 में वॉमिट करना है। फिर आप यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 50 पे, तो पेज नंबर 50 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में सब 1, 2, 3 पूरा क्या है, वॉमिट है, सुनते रहिए अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। और 1 ये पूरा टॉपिक, ये 4, 5, 6 ये सब क्या है बेटा, वॉमिट है। तो आप ऐसे करके वॉमिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो जिससे आपको मालूम चलेगा। आप भी हमारे साथ टिक मारिए पेज नंबर 57 पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फुल वॉमिट है, क्वेश्चन नंबर 2 में इतने सारे क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब आ जाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड नहीं आने वाले हैं, ये पूरा टॉपिक क्या है वॉमिट, अगर ये टॉपिक वॉमिट है तो इसके एक्सरसाइज भी वॉमिट होंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट,
यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, 16. अब आ जाइए पेज नंबर 62 पर. 62 में आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 3.5. 3.5 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा का पूरा इसे वॉमिट कर दीजिए. आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, पूरे पूरे टॉपिक को वॉमिट कर दीजिए. अब आ जाइए यहाँ पर 3.5, इक्वेशन रिड्यूस फॉर अ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये पूरा टॉपिक ही क्या है, वॉमिट है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं आएगा. फिर आप उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 नहीं आएगा, वॉमिट कर दीजिए. 19 वॉमिट कर दीजिए. अब 3.6 में देखिए, 3.6 में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आप भी देख रहे हैं, और ये सेकंड वाला भी पूरा क्वेश्चन, मतलब 3.6 एक्सरसाइज फुल है, फुल वॉमिट आपको नहीं पूछा जाएगा, पर आपको प्रिपरेशन थोड़ा बहुत तो करनी है. ओके, और स्कूल में भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको. ओके, टाइम मिलेगा तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा स्कूल में. अब आ जाइए पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 में टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, ये ओमिट है, ऐसे ओ एम करके लिख सकते हैं आप. अब आ जाइए आप उसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 दिख रहा होगा, फिर एग्जाम्पल नंबर आपको 8 दिख रहा होगा, ओमिट कर दीजिए. एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 82. फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 84. एग्जाम्पल नंबर 12 आप साथ साथ में ओमिट करते जाइए फटाफट. ओके, अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.3 में. 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है बेटा, इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका आप एक्सरसाइज मीन इसका प्रॉब्लम भी आप सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे चार क्वेश्चन है आपको सॉल्व नहीं करना है, ये ओमिट है चार क्वेश्चन. आगे बढ़िए, अब आगे में आप यहाँ पर देख सकते हैं 9, 10, 11, पेज नंबर 88, 9, 10, 11 ओमिट कर दिया गया है. बस यहाँ से कंप्लीट होता है. अब आते हैं चैप्टर नंबर 5. अब इस चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 में ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको नॉलेज के लिए सब पढ़ना है, आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे. फिर आप आगे बढ़िए, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 104, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10. अब आप यहां देखिए पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, 16 वाला क्वेश्चन, मीन 16:2, ये 20 क्वेश्चन, ये फुल ओमिट है, कहां से कहां तक 16:20 नहीं आने वाले हैं, आपको इसके इतने प्रैक्टिस नहीं करने हैं. अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 ओमिट. ये आप देख रहे हैं बेटा, जो 30% सिलेबस कम हुआ है वो सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, मीन्स आपको ये सब नहीं करना है, तैयारी नहीं करनी है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे. ओके, ये आप देख रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 15 वॉमिट है, एग्जाम्पल नंबर 16. आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए पेज नंबर 113, 113 में देखिए 13 to 18 मीन्स ये पूरे के पूरे वॉमिट हैं. फिर बैक साइड में आप देखेंगे पेज नंबर 19 और 20, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 और 20. ट्राइंगल चैप्टर में आ जाइए फास्ट. अब इस ट्राइंगल चैप्टर में थियरम 6.1 आप देख सकते हैं, थियरम 6.1 पेज नंबर 24, थियरम 6.1 आपको नहीं करने हैं. थियरम 6.2 वॉमिट किया गया है, आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल 1 आप भी टिक मार लीजिए अपने नोटबुक में, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3. फिर आप जब एक्सरसाइज 6.2 में आएंगे तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वॉमिट है, और यहाँ पे 5 to 10 आपको दिख रहा होगा फुल वॉमिट, 5 to 10 फुल वॉमिट है, आपको नहीं करना है. आगे बढ़ते हैं, थियरम 6.3 देख रहे हैं आप, इसको नहीं करना है. थियरम 6.4 टिक मार लीजिए, थियरम 6.4.
थ्योरम 6.5, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिख रहा है पेज नंबर 136, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, फिर आप देखिए एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 16 तक, यहां पर आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, कहां से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, देखिए टोटल 16 क्वेश्चन है गाइस। आप पे उधर देखिए टोटल 16 क्वेश्चन है, पूरा फुल नहीं आने वाला है, मींस ये पूरा फुल ओमिट कर दिया गया है, तो ये आप नहीं करेंगे। अब आप पेज पलटिए, पेज नंबर 143, एग्जाम्पल नंबर 9, वॉमिट, एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 7, मींस ये पूरा फुल वॉमिट है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक जाना है। और फिर ये देखिए यहाँ पर 9th वाले को भी वॉमिट कर दीजिए। एक्सरसाइज थियरम 6.7, 6.8, थियरम 6.9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 12, 13, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एक्सरसाइज 6.5 में आप देखिए पूरा का पूरा 1, 2, 7, और ये पूरा का पूरा थियर पूरा है बेटा, ये 6.5 फुल ऑमिट है, फुल ऑमिट है। अब आ जाइए 7 चैप्टर में, इस 7 चैप्टर में देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, फिर 5 में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब आप आ जाइए चैप्टर पेज नंबर 168, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आपको क्वेश्चन नहीं करने, इसलिए आपके 11, 12, 13 ये सबको ऑमिट करना है, 14 ये भी ऑमिट होगा, एग्जाम्पल 15 भी ऑमिट होगा, और 7.3 ये पूरा उसके रिलेटेड है, इसलिए आप फुल ऑमिट करेंगे, फास्ट फुल ऑमिट। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 8 पे, अब इस चैप्टर नंबर 8 में आपको 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वॉमिट है। फिर आप आगे बढ़िए, यहां पर एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, आप यहां पर ये नहीं करेंगे, वॉमिट है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10, 8.3 में सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और ये सेकेंड वाला और फोर्थ वाला आपको दिख रहा होगा, और 6 पेज नंबर 190 पे 6 है, टिक मार लीजिए। अब फिर आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये ऑमिट है, पूरा टॉपिक ही ऑमिट है, इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल्स आने वाले ऑमिट होंगे, 12, 13, 14, 15 और 8.4 में एक्सरसाइज 8.4 में पूरे के पूरे क्वेश्चन, मीन्स ये पूरे आप जो देख रहे हैं पूरे के पूरे ऑमिट हैं, और ये 5 वाला ऑमिट है, ओके 5 मतलब ये पूरा फुल ऑमिट है बेटा, आपको ये जो 5 वाला देख रहे हैं ये पीछे के साइड भी क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं करने हैं, एनसीईआरटी वालों को नहीं करने हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, 7, एग्जांपल नंबर 7, फिर एग्जांपल नंबर 7, फिर एक्सरसाइज 9.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 to 13, क्वेश्चन नंबर 6 to 13, यहां पर आप देख सकते हैं 6 to 13 फुल ऑमिट है, और पेज नंबर 205 पर आप देखिए 14 to 16, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, थ्योरम 10.1 नहीं करना है आपको, थ्योरम 10.2 नहीं करना है, एग्जांपल नंबर 1 ऑमिट है, एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं नहीं करना है, एग्जांपल नंबर 3 नहीं करना है आपको। और फिर आप बैक साइड में आइए पेज नंबर 214 में फोर्थ और फिफ्थ आपको नहीं करना है, फोर्थ और फिफ्थ नहीं करना है आपको, और आप यहां पर देखिए 8 है और 8 to 12 तक, 8 to 12 आपका ये पूरा टर्म्स क्या है, ऑमिट है, आपको नहीं करना है। अब 11 चैप्टर 11.2 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको नहीं करना है, पेज पलटिए। अब आप यहां पर देखिए बेटा एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको नहीं करना है, ये ओमिट हो चुका है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 222 में, देखिए 6 और 7 आपको नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 226 क्वेश्चन नंबर 4 ओमिट है, नहीं करना है आपको। अब आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 228 एग्जांपल नंबर 3 ओमिट है। फिर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपको नहीं करना है। फिर पेज नंबर 231 पर देखिए 10, 11, 12 फुल ओमिट है। ये 13 तक का नहीं करना है। फिर यहाँ पे ये टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है, जो आप देख रहे हैं टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है। इस टॉपिक में यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 था, वो नहीं आएगा, ओमिट कर दिया गया है। एग्जांपल नंबर 6 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 12.3 है, 12.3 में फुल ओमिट, ये पूरा एक्सरसाइज नहीं आया गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे जो नहीं आएंगे, आपको नहीं करने हैं। पीछे भी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करने, फुल ओमिट है पूरा 16 तक। कहाँ तक ओमिट है? 16 तक, ये पूरा फुल ओमिट है। चैप्टर नंबर 13 पर आ जाइए फास्ट। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 247 में एग्जांपल नंबर आपको 7 नहीं करना है। एग्जांपल नंबर 7 के बाद आप आ जाइए पेज नंबर 248 13.4 आपको दिख रहा होगा, ये टॉपिक नहीं करना है, इसलिए इसके एग्जांपल भी आपको नहीं करने। एग्जांपल 8 9 एग्जांपल नंबर 10 11 आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। 13.3 में पूरा फुल ओमिट, ये पूरा फुल ओमिट है गाइस। 13.3 आपको नहीं करने हैं। अब फ्रस्टम ऑफ कौन के टॉपिक आपको नहीं करने हैं, इसलिए इसके जो एग्जांपल्स होंगे आप नहीं करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 14 और 13.4 फुल ओमिट है। आप देख सकते हैं, आपको 13.4 वहां पे लिख दीजिए फुल ओमिट, आपको नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपको चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 289 आप देखिए 14.4, ये ग्राफिकली जो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक है आप नहीं करने, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल 9 नहीं करने हैं। और आप यहाँ पे 14.4 देखेंगे, वो टॉपिक अगर नहीं करना है तो ये इसके एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, फुल ऑमिट है, तो ये 14.4 भी नहीं करना है। और जो चैप्टर आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी गाइस, ये पूरे करने हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ हमारा टर्म कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।